हाय फ्रेंड्स, मैं अंशु, ये है आप लोग देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ का एडवांस बुकिंग रिपोर्ट बताना चाहता हूँ डे 3 तक का, और पहला, दूसरा, तीसरा यानी कि 4 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर कैसा रहा, और सुबह 11 बजे तक के आंकड़े मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी कि चौथा दिन शुरू हो चुका है, 11 बजे तक के आंकड़े किस तरह से है वो बताने वाला हूँ। पिछले एक घंटे में 2000 के ऊपर टिकट्स बिके हैं, और यहाँ पर टिकट बुकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा तेज नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा धीमी भी नहीं, एक नॉर्मल तौर पर शुरू है, बढ़िया तरह से शुरू है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहीं क्लियर करना चाहता हूँ कि जवान जैसा क्रेज नहीं अभी तक नजर आ रहा है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। लेकिन ये फिल्म बिल्कुल पठान जैसी चल रही थी, उस तरह से, उस लेवल से चल रही है आगे, क्योंकि फिल्म दिवाली को रिलीज हो रही है, इसलिए एडवांस बुकिंग ऊपर नीचे आगे पीछे होगी। इसलिए डाउट मत करिएगा फिल्म के ओवरऑल आउटपुट पे, क्योंकि दिवाली का दिन है, उस दिन के लिए लोग वैसे ही बहुत स्केप्टिकल रहते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब है लोग बहुत क्वेश्चन मार्क में रहते हैं कि उस दिन पहले दिन फिल्म देखे या ना देखे, क्योंकि फिल्म सुबह 7 बजे से खुल रही है, इसलिए कई सारे लोग सुबह फिल्म देखकर दिवाली अपनी मनाएंगे शाम को, रात को। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ आंकड़ों को मैंने आप लोग के लिए जोड़कर लाया हूँ, जिस तरह से फिल्म के कलेक्शन हो रहे हैं उस हिसाब से। PVR आईनक्स में सुबह 11 बजे तक कुछ नहीं तो तकरीबन 1.35 लाख टिकट बिके हैं, 1,30,000 तक कम से कम टिकट बिके हैं, और सिनेपोलिस में लगभग 28,000 पहले 3 दिनों में टिकट बिके हैं। यानी कि सुबह 11 बजे तक के आंकड़ों की एक मैं बात करता हूँ, यानी कि अभी तक के जो आंकड़े हैं टिकट बिकने के, ये नेशनल चैंस में, वो भी PVR आइनॉक्स सिनेपोलिस में, मिराज सिनेमा शामिल नहीं है, बाकी और इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेक्स सिनेमा शामिल नहीं है। तो कुल मिला के 158K टिकट्स बिके हैं आंकड़ों के हिसाब से, मेरे आंकड़ों के हिसाब से, यानी कि 1,58,000, और इसने कुल मिलाकर अभी तक जो कलेक्शंस कर लिया है वो 3.5 करोड़ तक का कर लिया है, 3.50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शंस। यानी कि ये फिल्म बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और बहुत स्ट्रांगली ये कलेक्शंस करने का दम रखती है, और बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे आंकड़े हैं, कोई 5 करोड़ कह रहा है, कोई 7 करोड़ कह रहा है, कोई 8 करोड़ कह रहा है, फर्क नहीं पड़ता है, आपको जिस आंकड़ों को मानना है, आपको जो बात आपको सही लगती है आप उस पर विश्वास करिए। लेकिन मुझे जो आंकड़े सही लगेंगे मैं वही आंकड़े आप तक लेकर आकर बताऊंगा, क्योंकि मुझे किसी से बैर नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, किसी की चाटनी नहीं, आपको पता है, मुझे सिर्फ न्यूज़ देनी है, ऑर्गेनिक न्यूज़ देनी है, सच्ची न्यूज़ देनी है, ताकि किसी को भी भ्रम ना रहे कि फिल्म किस तरह से चल रही है। ट्रेंडिंग फर्स्ट डे काफ़ी स्ट्रांग थी, सेकेंड डे स्लो ही है, और थर्ड डे भी थोड़ा धीमापन है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है आज भी सेम तरह का एवरेज रिस्पॉन्स रहेगा एडवांस बुकिंग का। फिल्म की एडवांस बुकिंग फ्राइडे सैटरडे को ही बढ़ेगी बहुत तेजी से, ये बात तय है। दोस्तों, आपको क्या लगा, कैसे लगा ये एडवांस बुकिंग रिपोर्ट, आपको जरूर बताएगा। और जहां तक टिकट बुकिंग की बात है, टिकट बुकिंग में कहीं ना कहीं उछाल नजर आ रहा है, मुंबई, दिल्ली, हर एक जगह, हर एक शहरों में लोग टिकट बुकिंग शुरू कर चुके हैं। चलिए फिलहाल कितना, वीडियो अच्छा लगे शाम को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।